यस प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एसडी कॉमर्स करियर सेक्टर 10 पंचकुला। दिस इज सीए धीरज हियर एंड होप सो यू आर डूइंग वेल। सो टुडे आज हम लोग सर अपने बीकॉम 6M का एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट दैट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग टू स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, ठीक, जो आप लोग प्लस टू लेवल पे बिजनेस स्टडीज में भी थोड़ा सा रीड आउट कर चुके होंगे कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस था, वही एक प्रॉपर सब्जेक्ट बनकर आप लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से बीकॉम में 6M में क्या है, एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। ठीक, तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग के साथ वन बाय वन यहाँ पे हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं कि सर सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंस में जाने वाले कि नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। ये जो वर्ड आप लोगों ने कंबाइन किया दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सबसे पहले तो मुझे इसकी इंपॉर्टेंस समझनी होगी, तब मैं नेक्स्ट ऑन इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स टॉपिक हैं आप वन बाय वन उन टॉपिक्स को क्या कर पाएंगे, प्रॉपरली डील कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बेसिक थिंग्स हैं जो आपको थियरी पार्ट से ही क्या होंगी, क्लियर होंगी। एक अकाउंटिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट है, इनकम टैक्स आप लोगों ने पढ़ा हो एक डिफरेंट व्यू पॉइंट है, बट ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, तो यहां पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर इंपॉर्टेंस के बारे में कि एक एंटिटी का इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बिहाइंड मोटिव क्या होता है। क्लियर? प्लस नेक्स्ट आगे कुछ, नेक्स्ट आगे आप बीकॉम के बाद भी या इवन नेक्स्ट आगे जो भी आप अपना करियर परस्यू करते हैं, इवन फाइनेंशियल मैनेजर्स की तरह भी हम अपना करियर परस्यू करते हैं इन द वेरियस एंटिटीज, तो उन फाइनेंशियल मैनेजर्स का काम क्या होगा, उन लोगों की डेली एक्टिविटी क्या होती है, वो सारे थिंग्स आपको यहाँ पे वन बाय वन मिलने वाली है। और आपको पता है सर आज की डेट में ये स्टॉक मार्केट्स एंड ऑल, शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट जो है, फॉरेक्स ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा हाइक होता जा रहा है। नॉर्मल हम लोग भी अपने लेवल पे कुछ ना कुछ शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बाय एंड सेल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वहां से रिलीज कर लिया एंड प्रॉफिट्स जनरेट कर लिए, तो सर ये सारी थिंग्स आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या होती हैं, कवर अप होती हैं। कि सर व्हाइल इन्वेस्टिंग इन कंपनी, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते टाइम आप कौन कौन से पैरामीटर्स को सोचते हैं, क्या क्या थिंग्स आप लोगों के लिए मेन मैटर करती हैं कि हम कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें, हम इक्विटी पार्ट में जाएं या डेट पार्ट के लिए जाएं, तो ये सारी थिंग्स आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर मिलने वाली हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम लोग अपनी एक रॉ, आप अपनी कॉपी या पेन साथ में ओपन ले सकते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, सबसे पहले तो सर सबसे पहले जो टॉपिक आप लोगों का है दैट इज ऑल अबाउट, जस्ट अ मिनट, दैट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सर क्या हम लोगों ने नॉर्मली हर व्यू पॉइंट से फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस करनी है और हमें जस्ट एंड जस्ट बिजनेस फाइनेंस के बारे में सोचना है? यस, आप लोगों का जो पार्ट है दैट इज ओनली एंड ओनली बिजनेस फाइनेंस के रिगार्डिंग। क्लियर? कि वेरियस एंटिटीज जो यहाँ पे रन हो रही हैं, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो रन हो रही है, अल्टीमेटली सर उसका मेन ब्लड कह लीजिए, अल्टीमेटली किसी भी एक सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे अल्टीमेटली सर फाइनेंस ही है जो उस बिजनेस को प्रॉपर वे से क्या कर रहा है, सर्कुलर फ्लो में चलाता जा रहा है। क्लियर? क्योंकि सर अगर बिजनेस में फाइनेंस नहीं होगा प्रॉपर वे से, एंड जिस टाइम पे फाइनेंस रिक्वायर्ड है, अगर सही टाइम पे आपके पास पैसा नहीं पहुंचेगा, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप लोगों की थ्रेट में क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको क्या करनी पड़ेंगी, लूज करनी पड़ेंगी। अब जैसे आप लोग अपनी लाइफ में भी नॉर्मली शायद में भी आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी आती हो कि सर पैसा कमाने का टाइम तो है बट हमारे पास इन्वेस्ट करने को पैसा नहीं है, तो हम नॉर्मली वर्डिंग वहां पे यूज करते हैं यार कहीं से फाइनेंस अरेंज हो जाए, कहीं से पैसा अरेंज हो जाए, चाहे लोन लेना पड़े क्योंकि मेरे पास अपना पैसा तो नहीं है, कहीं से फाइनेंसिंग हो जाए कि मैं उस
बिजनेस अपॉर्चुनिटी को किसी ना किसी वे से ग्रैब करके कुछ प्रॉफिटेबिलिटी क्या कर सकूं, जनरेट कर सकूं। फिर तो नॉर्मली एक बिजनेस के पीछे, एक बिजनेस को प्रॉपर वे से रनिंग रखने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, द फर्स्ट मेन एलिमेंट आप लोगों को जो रिक्वायर्ड होता है, दैट इज मनी, दैट इज बेसिकली सर फाइनेंस। फिर अदरवाइज नॉर्मली हम वर्ड यूज करते हैं 4M, मेन, मटेरियल, मशीन एंड मनी। क्लियर? जो नॉर्मली किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए आप लोगों को रिक्वायर्ड हैं, दैट आर कॉल्ड एज 4M, मेन, मटेरियल, मशीन एंड मनी। सर मनी इज द वन ऑफ द कोर एलिमेंट रिगार्डिंग द सक्सेसफुल बिजनेस। क्लियर? अब बात आती है सर, चलिए ठीक है सर, हमें एक बिजनेस स्टार्टअप के लिए, एक बिजनेस को रन करने के लिए क्या चाहिए सर? पैसा चाहिए। अब यहां पे बात आती है सर, ये पैसे का सोर्स क्या होगा, जिसको वर्ड तुम बोलते हो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। क्लियर? ये पैसा आएगा कहां से? सर सिंपल, आप अपना पैसा यूज करिए, दैट मींस नंबर वन, सबसे पहला जो सोर्स होता है दैट इज ओन्ड फंड। हम अपना ही पैसा अपने बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज द मोस्ट प्राइमरी सोर्स। बट सर मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी बिजनेस आप देखते हैं कि आज की डेट में डे टू डे बिजनेस इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होने लग गई है। क्लियर? एक अच्छा बिजनेस रन करने के लिए भी आपको ह्यूज कैपिटल नीडेड है, तो आपके पास भी कितने ऑन फंड होंगे सर? थोड़ा टैक्स को भी ध्यान में रखते हुए, क्लियर, व्हाइट ब्लैक के चक्कर को भी ध्यान में रखते हुए, कि हमारे पास भी सर इतने कितने सोर्सेस होंगे कि मैं अपना ऑन फंड इतना ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा। तो वहां पे दूसरा दूसरा सर वर्ड आता है ओन्ड फंड, ना सही, जिसको हम वर्ड बोलते हैं सर डेट फंड। क्या वर्ड बोलते हैं जी? डेट फंड। कि सर किसी से पैसा उधार पकड़कर, लोन लेकर, फाइनेंस लेकर हम अपने बिजनेस को क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे बूस्टअप करेंगे। क्लियर? तो ये तो सर मेरे सोर्सेस की बात थी। सोर्सेस का मतलब क्या है कि मैं अपना खुद का पैसा भी लगा सकता हूं, नेक्स्ट आगे लोगों से पैसा पकड़कर, लोन लेकर, डेट लेकर भी अपना बिजनेस क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट स्टूडेंट्स ने एक कॉमन सी बात पूछी, सर लोन लेना गलत नहीं है क्या? कि ऑन कैपिटल के अपने मजे हैं, नेचुरली वो तो है ही है सर। अगर आपका अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड होगा तो सर अपने को किसी चीज की कोई सिरदर्दी तो नहीं है। बट अगर वही हम लोगों ने डेट फंड लिया होगा, किसी का पैसा बिजनेस में क्या किया होगा, इन्वेस्ट किया होगा, तो नेचुरली सर उनको भी तो मुझे क्या देनी पड़ेगी, रिटर्न देनी पड़ेगी। अब लेट इट बी लोन्स आपने लिए, पब्लिक से पैसा उधार पकड़ा, आपको टाइम टू टाइम उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ेगा, तो वो तो सर नेचुरली है। बट सर लोन लेना या डेट फंड यूज करना एक बिजनेस के अंदर कोई गलत नहीं है, बड़ी सही चीज है, जब तक आपकी इंटेंशन सही है। क्लियर? अब नॉर्मली सर बहुत सारे ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या ऐसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनकी स्टार्टिंग अगर आप लोग बैकग्राउंड से सुनते हैं कि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, ना इवन घर वालों की ओर से कोई सपोर्ट थी उस बिजनेस को बढ़िया बनाने के लिए, बट उनके अंदर कैलिबर था, उनके अंदर एक माइंड था, उसको यूज करते हुए फाइनेंसिंग अरेंज करी एंड लोगों से पैसा उधार पकड़कर बिजनेस में इन्वेस्ट करा, टाइम टू टाइम रिटर्न्स बिजनेस में निकाली एंड इंटरेस्ट पे ऑफ करे, स्टिल दे आर टुडे इन किस में है सर, प्रॉफिट्स में है। तो कोई बुरी बात थोड़ी है कि कैपिटल सर कहीं लिखा होगी ओन्ड कैपिटल ही होनी चाहिए, डेट कैपिटल नहीं होती, डेट कैपिटल इज ऑल्सो अलाउड। क्लियर? बस आपकी इंटेंशन सही चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, अल्टीमेटली पैसा कमाइए और जिसका जितना बनता है पे आउट करें और अपना प्रॉफिट्स क्या करें, जनरेट करें। क्लियर? तो अल्टीमेटली ये सर हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस थे, नंबर वन इज ऑन फंड एंड नंबर टू इज डेट फंड। क्लियर? नेक्स्ट आगे हमारी फिर मेन बात आती है सर, यहाँ पे मेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मतलब क्या है? चलो फाइनेंस की इंपॉर्टेंस तो आपने बता दी कि फाइनेंस एक बिजनेस के लिए ब्लड की तरह काम करता है, मनी सप्लाई जो अपने आप में है वो एक बिजनेस में ब्लड की तरह क्या करती है, फ्लो करती है। जितनी अच्छा फ्लो होगा, जितना बेसिकली सर बिजनेस में फाइनेंस का इनफ्लो आउटफ्लो बेटर वे से होगा, प्रॉपर वे से मैनेज किया जाएगा, वही बिजनेस अपने आप में क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या सर? वही जो हम प्लस टू में पहले सुना करते थे नॉर्मली सर, प्रॉपर प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, क्लियर, एंड कंट्रोलिंग करना, दैट्स द सेम कॉन्सेप्ट।
बट हमें वो जो मैनेजमेंट है, हमें जो वो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट हमें किसकी करनी है? अपने फाइनेंस की। क्योंकि सर, अगर आपने अपने फाइनेंस को, जितना भी पैसा आपके पास है, जितना भी पैसा आपके बिजनेस में लगा हुआ है, अगर प्रॉपर वे से आपने उसको मैनेज नहीं करा, तो बहुत बड़ी लिक्विडिटी क्रंच में आप लोग फंस सकते हैं। क्लियर? जिसको आप कहते हैं कि अल्टीमेट सर, इनफ्लोज नहीं आ रहे और आउटफ्लोज तो आपको पे आउट करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, तो सर आप पैसा कितना उधार पकड़ोगे? अपना पैसा भी बिजनेस में कहां तक इन्वेस्ट करोगे? जैसे यूजली आपने कॉमन नॉर्मल लैंग्वेज सुनी होगी सर, अल्टीमेटली घर, दुकान और शादी, तीनों पे जितना पैसा लगा दो उतना कम। अब जो नॉर्मली सर बिजनेसमैन हैं, जो दुकान अपनी चला रहे हैं, वो कभी भी प्रॉपर हिसाब नहीं दे पाएंगे। उनका जितना पैसा आता है, अल्टीमेट वो सारा किसमें चला जाता है? दुकान में। उसका कारण क्या है? अगला कहता है सर, पता नहीं मैं कितना पैसा बिजनेस में क्या कर चुका, इन्वेस्ट कर चुका, और रिटर्न मुझे अभी तक प्रॉपर नहीं मिला।